नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं क्योंकि मेरे लैपटॉप में दो वीडियो के लिए सामग्री पड़ी है तो मैं उसका वीडियो बना देता हूँ। हम बात कर रहे थे छायावादोत्तर साहित्य की, और छायावादोत्तर काल में प्रेम और संगीत का जो प्रेम और मस्ती का जो काव्य है, डॉक्टर बच्चन, हरिवंश राय बच्चन आदि जो है, भगवती चरण वर्मा है, इन कवियों के बारे में छोटे छोटे दो वीडियो बनेंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको प्रेम और मस्ती का काव्य कहते हैं, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। एक वीडियो मैंने छायावादोत्तर साहित्य का जो वर्गीकरण है उसको लेकर बनाया था, उसमें हमने बात की थी। आज हम थोड़ी सी चर्चा इसके करेंगे, क्योंकि हम व्यक्तिवादी चेतना इस शब्द की चर्चा हम कर चुके हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे व्यक्तिवादी गीति कविता कहा। गीति कविता तो इसलिए ये कि प्रेम और मस्ती के ये गीत है, कहीं प्रणय निवेदन है तो कहीं अपनी आत्मानुभूति है, कहीं अपना विरह है, कुल मिलाकर निजी अनुभूतियां हैं। लेकिन निजी अनुभूतियां ही व्यक्तिवादी गीति कविता, व्यक्तिवादी कविता कहलाती है। लेकिन मैंने ये चर्चा पहले इसलिए की थी एक वीडियो में कि छायावाद में भी प्रणय अनुभूतियां हैं, व्यक्तिगत चेतना है, निजी अनुभूतियां हैं, तो फिर इसमें और उसमें अंतर क्या है? तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि वहां जो व्यक्तिवादी चेतना है उसको लेकर आगे एक बात हमने लिखी है। यद्यपि छायावादी चेतना भी प्रधान रूप से व्यक्तिवादी चेतना है, परंतु दोनों के व्यक्तिवाद में एक मूल अंतर है। छायावादी व्यक्ति चेतना शरीर से ऊपर उठकर मन और आत्मा का स्पर्श करने लगती है, जबकि इन कवियों की व्यक्ति चेतना मुख्य रूप से शरीर और मन के धरातल पर ही व्यक्त होती रही। ये डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर तारकनाथ बाजी लिखते हैं। इस बात का मतलब केवल इतना है कि छायावादियों की जो व्यक्तिवादी गीति कविता है या व्यक्तिवादी चेतना है, गीति कविता तो नहीं कह सकते, वो असल में अध्यात्म के स्तर पर चली जाती है। इसमें लिखा है ना, आत्मा का स्पर्श करना। आत्मा का स्पर्श करना मतलब अध्यात्म के स्तर पर चले जाना। जैसे महादेवी के गीत है तो उसमें एक अध्यात्म की या रहस्यवाद की अनुभूति होती है। जयशंकर प्रसाद के भी यहाँ ऐसा होता है। तो ये जो उनकी जो चेतना है वो असल में अपने से शुरू होकर विश्व के कल्याण तक पहुंच जाती है। ये मैं बार बार कहता हूँ बात, छायावादी व्यक्तिगत रहे और व्यक्तिकता उनकी एक विशेषता है, लेकिन उनकी व्यक्तिकता अंततः सामाजिकता या कह सकते हैं कि विराट मानवीयता में बदल जाती है। जबकि इनके द्वारा जो लिखा गया प्रेम और मस्ती के जो कवि हैं वो नितांत निजी अनुभूतियों की बात करते हैं। जैसे निशा निमंत्रण की बात करें, निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन का एक कविता संग्रह है। ये उन्होंने तब लिखा जब उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें पूरा का पूरा जो विवरण है वो कवि की खुद के मन का है। तो असल में ये कवि उस समय जो आंदोलन चल रहा था, देश में स्वाधीनता आंदोलन था, उसका उन्होंने या तो स्पर्श किया नहीं और या बहुत कम किया। तो ऐसे दौर में ये कवि अपना निजी राग अलापते रहे, समाज से, राष्ट्र से, राष्ट्रीय समस्याओं से अलग रहे, इसलिए उनको व्यक्तिवादी कहा जाता है। गीत लिखे इसलिए गीतिवादी कहा जाता है। छायावाद का उन्मुक्त रूप, अब ये बात कहने का मतलब वही हो गया ना, छायावादी व्यक्तिवादी है लेकिन ये घोर व्यक्तिवादी है, इसलिए हम कह सकते हैं ये उन्मुक्त व्यक्ति उन्मुक्त रूप है। एक नीचे इसके पंक्ति लिखी है, सुरा सुंदरी और यौवन के गीतों की प्रधानता। अब ये बात लिखने का मेरा इस काव्य धारा को स्पष्ट करने का है कि सुरा सुंदरी और यौवन। सुरा तो आपको मालूम है कि हरिवंश राय बच्चन ने भी, हरिवंश राय बच्चन ने तीन ग्रंथ लिखे थे, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, जो तीनों को मिलाकर मधु काव्य कहा जाता है। और हो जाने दे गर्क नशे में, मत पढ़ने दे फर्क नशे में, ऐसी बातें भी बात उसकी करती है। और सुंदरी और यौवन के अपने प्रणय निवेदन की और जवानी के गीत उन्होंने खूब गाए, इसलिए ये इसकी विशेषता है, इसलिए ये बात मैंने लिख दी। हालांकि ऐसी बातें परीक्षा में नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी इससे हम काव्य धारा का थोड़ा सा एक सटीक अनुमान लगा सकते हैं। अब यहाँ हम कवियों की बात करें तो भगवती चरण वर्मा की बात करते हैं। भगवती चरण वर्मा है अपने चित्रलेखा और दूसरे उपन्यासों को लेकर चर्चित रहे हैं। भूले बिसरे चित्र के ऊपर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। कविताओं के बारे में उनके सवाल कम आते हैं, लेकिन ये दो चार बातें मैंने यहाँ रखी है। एक तो प्रताप पत्रिका में इनका पत्रिका का प्रकाशन, कविताओं का प्रकाशन 1917 से होने लगा था। नियतिवादी कवि ने कहा जाता है, नियतिवादी यानी जो भाग्य को मानता है, असल में अपने आप को यूं छोड़ दे बिल्कुल, और जीवन जैसा चलता है वैसा चलता रहे, किसी प्रकार का प्रयास, किसी प्रकार की उत्कट लालसा उसमें नहीं हो, तो उसको फिर नियतिवादी, भाग्य के भरोसे बैठने वाला नियतिवादी कवि कहा गया है। इसमें मस्ती, आवेश और अहम इनकी कविताओं के प्रमुख विषय हैं। ये इनकी रचनाएं हैं।
रचनाएं भी कम पूछी जाती है, ज्यादा नहीं पूछी जाती है। हम दीवानों की हस्ती क्या है, आज यहाँ कल वहां चले। अब ये नियतिवादी है आज यहाँ कल वहां चले, ये इनकी पंक्ति। और भैंसा गाड़ी की चर्चा बार बार लोगों ने की है, इसलिए मैंने इसको शामिल कर दिया है। असल में भैंसा गाड़ी कविता है वो इनकी एक दूसरी कविताओं से भिन्न है। जैसे हम बात करते हैं कि मस्ती और प्रेम की कविता लिखने वाले कवि कभी सामाजिक नहीं रहे, लेकिन भैंसा गाड़ी इनकी किसी आम विषय पर लिखी गई कविता है। मुझे अब याद तो नहीं है, क्योंकि मैं इसके बारे में जब मैंने जब ये नोट्स में इसको ऐड किया था तब तो मुझे इसकी पूरी विषय वस्तु याद थी। लेकिन आप इतना याद रखें कि ये कविता काफ़ी प्रसिद्ध है और इसकी लगभग लोगों ने चर्चा की है। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम हरिवंश राय बच्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। शुक्रिया।